चढ़ ले घर से निकलते बंचर हो गया। ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है हमारे साथ? ये तिहाड़ से छूट गया है अभी भाई। रिजॉर्ट पे इसका नाम है और रिवर रिजॉर्ट। मस्त एकदम। गाइस वेलकम टू आवर व्लॉग। मैं आपका शिवम आपका स्वागत करता हूँ इस व्लॉग में। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं केदारनाथ जय भोले की। आप सारा सामान देख सकते हैं, एक एक चीज प्रॉपर पैक करी गई है ट्रैकिंग के लिए। सारे भाई बहन साथ में जा रहे हैं। ये रहा रोहित, ये रहा हर्ष, ये रहे नंद भैया। इस गाड़ी में और इस गाड़ी में दो गाड़ी जा रही हैं केदारनाथ। अभी पहला स्टॉप होगा ऋषिकेश, अब आगे देखते रहिए आप। शुक्रिया। गाड़ी को प्रॉपर चमका के लिए लेके जाया जा रहा है। चाट ले, चाट ले। मजा आने वाला मतलब है, पूरी चमका के लेके जाएगा। नंद भैया आपको तो बुरा हाल हो गया होगा जैसे सामान रखा हुआ इधर। चलो भाई अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, दोनों गाड़ी फुल करा के एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल आराम से जाएंगे फिर, आराम आराम से घर से निकलते पंचर हो गया। अब एकदम सही करके सही करवा के अब जाएंगे। क्या किसकी और तेरी की? मेरी तो है। शिवांशम कहाँ पे आए हैं? कहाँ आए हम? ये दाढ़ी वाले बाबा कौन है हमारे साथ? ये तिहाड़ से छूट गया है अभी। आज से बाटा भाई की भाई गिरी गई। भाई हम आ चुके हैं। भाई हम आ चुके हैं, थके आ रहे हुए हैं भाई बहुत ज़्यादा। आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, अभी आपको रूम का व्यू भी दिखाऊंगा। ये मेहनत लगती है। और ये देखो हमारा भाई एकदम मस्त व्यू है यार, लेकिन भाई थके आ रहे हुए हैं अभी। बस अभी खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पियेंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह जल्दी निकलना है मंदिर के लिए। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। ये सही है, कुत्ता काटता तो नहीं है। और ये है अपने कैंप, देख सकते हैं आप कितनी सही लोकेशन पे है, मस्त एकदम। 2 मिनट मेरी बात सुन लेना फिर मैं चला जाऊंगा। मतलब आज कौन सी कहानी बताने वाले हो? भाई के बताऊं, एक बार की बात है, जवानी में कदम रखा था उस टाइम गांव में रहा था। तो एक बार रात का टाइम था, हमारे पिताजी ने कुछ लेने भेज दिया था, दुकान पड़ी थी थोड़ा दूर गांव से, जंगल के बीच में से जाना पड़ता था साइकिल पे से। तो भाई के भैया मैं जा रहा था साइकिल पर, थोड़ी दूर चला और जंगल के बीच में से गुजरना था, थोड़ा ही रास्ता था 5-7 मिनट का। उसके बाद दुकान आती वो मेन चौराहे पे, तो जंगल में जा रहा था मैं। एक खूबसूरत सी लड़की सुलैल टाइप की समझ लो, लेकिन खूबसूरत। भाई मैं जा रहा, मैंने देख के मेरी उसको फट गई। अच्छा जी, पास है, बहुत खूबसूरत थी। आती मुझसे कहती मैं चुड़ैल, मैं निकाह में देख के लिए बच्चे पड़ जा। मैं कह तो रही हूँ पूरी बाजू के कपड़े पहना दूंगी।